अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हमने इसके 8 पार्ट से स्टार्ट करना है। 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 8 पार्ट इसका है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, हम स्टार्ट करना है इसको। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम पुट कर सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का आगे फार्मूला आता है 1 प्लस कॉस ए, यानी कि ये बन गया ना ए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स से कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास वैल्यू बच गई 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, को एक्स टेंड्स टू 0 है 1 ओवर 1 प्लस कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है 1, 1 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/2। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखें, 9 पार्ट में हमें दिया हुआ है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। 9 पार्ट इसका है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। अब देखें, यहाँ पर याद हम थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, या हम इसको ये भी कर सकते हैं कि साइन थीटा ओवर थीटा यहाँ लिखते हैं और दूसरा साइन थीटा को हम अलग करते हैं। ठीक है, अब दोनों के साथ आप अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा डॉट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा। ये आपका बाय जो है वो थ्योरम, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल होता है 1 के, और जो इसका आंसर है साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0 ही, कॉस 0 1 और साइन 0 0, तो 1 मल्टीप्लाई 0 0 इसका आंसर आ गया। अब इस तरह आपका 10 पार्ट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 सीकेंट एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स। इसमें जब हमने करना है इसको स्टार्ट, अब इसमें देखें कहीं आपको एक्स नज़र नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हम इसकी वो फॉर्म बना लेते हैं, सीकेंट एक्स जो है वो इक्वल होता है कॉस एक्स का रेसिप्रोकल है 1 ओवर कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इनका आप एलसीएम ले लें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर कॉस एक्स। इस कॉस एक्स को हम नेक्स्ट स्टेप में नीचे ले जाते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर एक्स कॉस एक्स। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आपका किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स के, साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स कॉस एक्स। अब इसी में जब हमने लिमिट अप्लाई करनी होगी, हम इसको अलग अलग कर लेंगे सारे फंक्शन को, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको हम लिख देंगे साइन एक्स ओवर एक्स, एक साइन एक्स आपका ऊपर रह गया और दूसरा कॉस एक्स आपका यहाँ पे आ गया, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स। और इसके साथ भी आप अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ये आपका पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा बाय डेफिनेशन। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स 0 साइन एक्स ओवर एक्स 1 हो गया, और यहाँ जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे साइन 0 डिवाइडेड बाय कॉस 0, साइन 0 आपके पास क्या होता है 0 और कॉस 0 1, 1 मल्टीप्लाई 0, ये इसका आंसर भी आपका आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद हमारे 2 पार्ट्स रह गए हैं,